नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द टेक हेल्पर में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जिन भाइयों का यूट्यूब चैनल है या जो यूट्यूब पे आने के बारे में सोच रहे हैं या जो अभी सोच रहे हैं कि हम क्रिएट करेंगे चैनल, उन सभी के लिए आज की वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे तरीके ये अपनाने हैं आपका अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका काफी टाइम से यूट्यूब पे है, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, लगे पड़े हैं, रिजल्ट बिल्कुल जीरो आ रहा है। दोस्तों उन भाइयों के लिए वीडियो है, वीडियो को आप लास्ट तक देखेगा आपको बहुत अच्छे तरीके बताऊंगा मैं यूट्यूब पर कैसे ग्रो हूं, कैसे अपना चैनल एक अच्छा चैनल बनाए और अर्निंग करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबा दें जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तो सब देर न करते चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, आपका एक यूट्यूब चैनल है, ग्रो नहीं हो रहा, काफी प्रॉब्लम आ रही है, आपने काफी मेहनत की, वीडियो डाली, अच्छी अच्छी वीडियो डाली, अच्छी अच्छी एडिटिंग की, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आया, व्यू हमारे बहुत कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी साथ में नहीं आ रहे हैं। इस प्रॉब्लम से लगभग हर एक यूट्यूबर गुजरता है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे खत्म करें, कैसे इस चीज़ से हम बाहर आएं, अपने चैनल को निकालें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं, नंबर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप चैनल बनाए आपको पहली वीडियो में बताया था मैंने एक नेम एक डिफरेंट रखना है, अलग नाम रखना है, पर साथ साथ में जैसे आपने चैनल बनाया तो जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं दोस्तों आपको अपने सब्सक्राइबर हाइड करके रखने हैं। जो आपके शो होते हैं ना कि आपके सब्सक्राइबर 200 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, वो चीज़ आपको शुरू के 1000 तक बिल्कुल हाइड करके रखनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उसको शो करते हैं, जो भी कोई सपोज कीजिए मैं आपकी वीडियो देखने के लिए आपके चैनल पे, मैंने देखा आपकी वीडियो अच्छी है ठीक है, बट मैं उसको सब्सक्राइब नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मैं देखूँगा यार इस बंदे के सब्सक्राइबर तो बहुत कम है, मैं क्यों इसको सब्सक्राइब करूँ, शायद इसको कोई इसकी वीडियो अच्छी नहीं होती या इस वीडियो में कोई दम नहीं है इसके चैनल में, इसलिए इसके सब्सक्राइबर इतने नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको अपने सब्सक्राइबर शुरू के 1000 तक, कम से कम शुरू के 1000 तक तो हाइड करके रखने ही रखने हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नंबर दो, देखिए दोस्तों नंबर दो है आपका टाइम। दोस्तों हम सभी करते क्या है, जब हम कोई वीडियो बना लेते हैं उसका हम उसको अच्छी से एडिटिंग कर लेते हैं और फिर हमारे मन में खुरापाती, हमारा दिमाग आता है, हमारे मन में एक चीज़ आती है यार इसको अपलोड कर दूँ, खुजली से होती रहती है अंदर, इसको अपलोड कर दूँ, अपलोड कर दूँ। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता है, मैं सोचता हूँ जब मैंने वीडियो डाली बनाई अपनी वीडियो एडिट की यार इसको फटाफट से अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ, बस फिर देखता रहूँ यार क्या चल रहा है वीडियो में, व्यू वगैरह वॉच टाइम वगैरह कितना रहे। दोस्तों इस चीज़ पर आपको कंट्रोल रखना है और जो वीडियो अपलोड करने से पहले आपको उस वीडियो का एक अच्छा सा थंबनेल बनाना है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा सा थंबनेल बनाना है, क्योंकि अगर आप वीडियो बनाने में एक घंटा लगा रहे हैं तो कम से कम आपको 1.5-2 घंटा थंबनेल पे देने हैं, जब तक आपके अंदर से संतुष्टि ना हो जाए, आपका दिल ये ना कह दे कि यार हाँ ये थंबनेल बेस्ट है इस वीडियो के लिए, तब तक आपको एक थंबनेल बनाते रहना है, अच्छा अच्छा थंबनेल बनाना है, क्योंकि यार एक थंबनेल ही ऐसा चीज़ है जो आपकी जो व्यूअर वीडियो देख रहा है वो आपके वीडियो पे क्लिक करवाएगा, एक थंबनेल ऐसी चीज़ है। दोस्तों थंबनेल को हमेशा याद रखना, हल्के में मत लेना भाई, बहुत भारी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है थंबनेल वीडियो का, कह सकते हैं ना 80% आपका थंबनेल और 20% आपका वीडियो, क्योंकि शुरू में थंबनेल तो आपके व्यूअर को लेकर आपकी वीडियो तक, तो थंबनेल अच्छा बनाना है। उसके बाद दोस्तों नंबर तीन होता क्या है, एक्चुअली हम वीडियो बनाते हैं, हम हमारे सबके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि यार वीडियो हम डालेंगे शाम को, शाम को कब डालेंगे, 4 बजे से बाद, क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा होता है, सब अपने काम वगैरह करके आ जाते हैं और हम अपना वीडियो डालेंगे, ट्रैफिक अच्छा मिल जाता है। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपके पास एक टेक चैनल है, कॉमेडी चैनल वालों की अलग बात होती है, बट यहाँ अगर आपका टेक चैनल है या किसी और चीज़ के रिलेटेड कोई भी चैनल है एक कॉमेडी को छोड़ के, तो दोस्तों आपको शाम के टाइम वीडियो नहीं डालनी। वो क्यों नहीं डालती, मैं क्यों नहीं डालनी, मैं उसका आपको कारण बताता हूँ। दोस्तों जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं हमारे देश के अंदर, सब शाम के टाइम वीडियो डालते हैं, क्यों डालते हैं, उनको पता है ट्रैफिक ज़्यादा है। दोस्तों ऐसे में होता क्या है, लगभग हर एक यूट्यूबर जो भी बंदा यूट्यूब चलाता है उसने हर एक बड़ा यूट्यूबर है उसको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो जैसे उनकी वीडियो आती है तो वो उसे क्लिक करके देखने चला जाता है, और जो छोटे यूट्यूबर की वीडियो होती है वो रह जाती है, क्योंकि बंदा छोटे यूट्यूबर को नहीं देख पाता क्योंकि वो फेमस नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों होता क्या है, हमारे जो छोटे यूट्यूबर होते हैं उनकी वीडियो पर व्यू नहीं आते, ये सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों आपको मैं, छोटे यूट्यूबर की वीडियो पे इसलिए व्यू नहीं आते, शाम के टाइम ट्रैफिक ज़्यादा होता है और वो सारा ट्रैफिक जाता है बड़े यूट्यूबर की तरफ, जिन वीडियो पे मिलियंस में व्यू आ रहे हैं उनकी तरफ जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, और वीडियो हमेशा आपको सुबह का टाइम डालनी है, क्योंकि सुबह का आप सपोज के वीडियो डालें ट्रैफिक भले ही कम है, बट जो आपका वीडियो देखेगा तसल्ली बख्श वीडियो देखेगा, अच्छे से वीडियो देखेगा। शाम को आप डालिए, सुबह को आप वीडियो डालिए, शाम तक होते उस पर व्यू जाएंगे, हो सकता है वो वीडियो आगे शाम तक सजेशन में भी चली जाए,
बट अगर शाम को डालेंगे सेम प्रॉब्लम आपके बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो डालते हैं, उस टाइम जो हमारी वीडियो होती है वो सजेशन में जाती, इंप्रेशन कम हो जाते हैं, नहीं शो होती आगे वो, अगर जो हमारे सब्सक्राइबर उन तक शो नहीं होती। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है आपको, सब सुबह के टाइम वीडियो अपलोड करनी है जब तक आपका छोटा चैनल है। दोस्तों आगे बात करते चलते हैं टैग्स की तरफ। देखिए दोस्तों, आप जब भी वीडियो अपलोड करें आपको एक अच्छे से अच्छे टैग लगाने हैं, जिस चीज़ के आपके ऊपर वीडियो है उसी चीज़ का थंबनेल बनाएं और आपको उसी के ऊपर लगाने हैं टैग। ये नहीं दोस्तों कि आप टैग को छोड़ लगा के बैठ जाओ और वीडियो किसी और चीज़ के रिलेटेड हो, ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है। आपको अच्छे से अच्छे टैग लगाने हैं और इस बात का ध्यान रखना है वही टैग लगाने हैं जो आपकी वीडियो को मैच करते हो। डिफरेंट टैग लगाने क्योंकि फिर आपके वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे, कुछ सर्च कुछ और करेगा आएगा कुछ और आपकी वीडियो किसी और चीज़ के बारे में। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, आपको हमेशा टैग वही लगाने हैं जो आपकी वीडियो में हो। तो दोस्तों ये थे टिप्स एंड ट्रिक, कुछ ये मतलब यार ये टिप्स या ट्रिक नहीं है, बेसिक सेटिंग ही है, वो आपके चैनल की मैं बता रहा हूँ, इनके बिना चैनल का ग्रो होना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों ये थी वीडियो हमारी 5 सेटिंग जो आपके YouTube के अंदर करने। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं दोस्तों कमेंट करके बताने आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।